तो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वापस से क्राफ्टिंग बिल्डिंग की कुछ 5 हाइड एंड सेटिंग्स जो कि आपको नहीं पता होंगी। एंड ये भाई लिटरली एकदम न्यू होने वाली है। जब से अपनी क्राफ्टिंग बिल्डिंग की अपडेट आई है, काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आ चुकी हैं न्यू, जो कि आपको नहीं पता होंगी। मैं इससे हूँ, सो आज वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही सेटिंग बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझको आप सबसे एक चीज़ पूछनी थी कि क्या मुझको यार क्राफ्टिंग बिल्डिंग के मोड्स के ऊपर वीडियो लानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे खतरनाक न्यू मोड्स आए हैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग के जो कि यार एकदम ओपी हैं। तो क्या मुझको इसकी वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझको कमेंट में बताना। अगर बनानी चाहिए तो यस लिख देना, नहीं बनानी चाहिए तो नो कमेंट में जरूर टाइप करना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई, 100 फॉलोअर्स हो गए हैं, जल्दी से 200 भी करा दो। एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट सेटिंग है, इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। ये सेटिंग काफ़ी सारे बंदों को पता भी होगी, बट बहुत से बंदे जिनको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले आपको टच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिफ्टी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसको ऑन करना है। देन आप लोग गेम पे आओगे तो आप लोग भाई देख सकते हो कि पूरी भाई कंट्रोल्स अपने चेंज हो चुके हैं, यानी कि जंप वाला जो अपना ऑप्शन था वो आ चुका है एकदम अपनी जॉयस्टिक की जगह पर। एंड जॉयस्टिक अपनी चली गई जंप वाली जगह पर, तो ये एकदम न्यू हो जाता है क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेलने में। एंड इन्वेंट्री का ऑप्शन आपको एकदम जंप के बगल में देखने को मिल जाता है। एंड भाई लिटरली इसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बट इससे आपको पीवीपी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट अगर आप लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हो खेलने का क्राफ्टिंग बिल्डिंग, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट सेटिंग है, ये है स्पाई ग्लास सेटिंग। तो सिंपली आपको स्पाई ग्लास जब आप लोग लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा इससे आप लोग जूम करके देख सकते हो कि यहाँ पे कौन है। एंड काफ़ी बढ़िया इसके एंड इसे जूम काफ़ी बढ़िया होता है। बट इसको अगर आप लोग और भी तगड़ा करना चाहते हो जूम, तो इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है, टच के ऑप्शन पे जाना है। देन आपको यहाँ पे स्पाई ग्लास डैम्पिंग को एकदम फुल कर देना है। देन आप लोग देखो कहीं पे भी जूम करते हो तो वो एकदम भाई एकदम जूम हो जाता है, एकदम मतलब तगड़ा दिखाई देने लगता है और भी ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाता है। जो है नेक्स्ट सेटिंग है, ये अपने फ्रेंड को ट्रॉल करने की, यानी कि अगर आप लोग किसी अपने फ्रेंड को अपने वर्ल्ड में बुलाते हो, यानी कि वर्ल्ड में कोई सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, देन वो फ्रेंड आपका आ जाता है। एंड अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं अपने फ्रेंड को गेम मोड रखूँगा सर्वाइवल एंड अपना क्रिएटिव, तो ये काफ़ी सारे बंदे को नहीं पता होता है, तो उसी के लिए उसको सर्वर बनाना पड़ता है। बट सर्वर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, देन चले जाना है अपने गेम के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट गेम मोड आपको देखने को मिलेगा, और सिंपली आपको इसको सर्वाइवल रखना है क्योंकि इसमें आपका प्लेयर होगा। एंड यहाँ पे नीचे का आपको देखने को मिलेगा पर्सनल गेम मोड, तो सिंपली इसको आपको क्रिएटिव कर लेना है। देन आपका जो फ्रेंड आया होगा वर्ल्ड में आपके, वो रहेगा सर्वाइवल में, बट आप जो हो वो आप क्रिएटिव में रहोगे। एंड जब आप चाहो क्रिएटिव लगा सकते हो अपना, जब चाहो सर्वाइवल भी लगा सकते हो। एंड फ्रेंड का भी कभी भी चेंज कर सकते हो, इससे आप अपने फ्रेंड को इजीली ट्रॉल कर सकते हो अपने वर्ल्ड में, ना सर्वर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ सेटिंग आती है, काफ़ी बढ़िया सेटिंग है, बिकॉज आप लोग जब आउट होते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, जैसे आप आउट हो फिर आपको रिस्पॉन्ड पर क्लिक करना पड़ता है। बट अगर आप लोग यहाँ से जाके सेटिंग्स पर से गेम के ऑप्शन पर नीचे क्रम में जाते हो, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमीडिएट रिस्पॉन्ड, तो सिंपली ये ऑफ होगा, इसको ऑन करना है। देन आप लोग जैसे ही आउट होते हो, मैं गोलेम से आउट होकर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही गोलेम ने मारा तुरंत मैं रिस्पॉन्ड हो गया, कोई भी रिस्पॉन्ड का बटन भी नहीं आया। लास्ट सेटिंग आती है, काफ़ी हेल्पफुल सेटिंग है आपके लिए, जो कि लो एंड डिवाइस के लिए है, जिनके में कम स्टोरेज है उनके लिए भी है, जिनके में ज़्यादा है उसके लिए भी है। नॉर्मली आप लोग कोई ऐसा वर्ड बनाते हो जिसको आप चाहते हो कि ये वर्ड डिलीट ना हो, एंड वो कभी अपडेट आने के बाद डिलीट हो जाता है या क्लियर डाटा मारने पर डिलीट हो जाता है बिकॉज आपके में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। तो अब अपनी अपडेट के आने के बाद में आप लोग किसी भी, जैसे मुझको इस वर्ड को सेव करना है, तो सिंपली आपको नीचे तक में स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको एक्सप्लोर्ड वर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने वर्ड को कहीं पे भी जनरेटिवर के किसी फोल्डर पे पेस्ट कर देना है। देन आप लोग इस वर्ड को डिलीट कर सकते हो, देन वहीं पे आप लोग उस फोल्डर पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके वर्ड में वही वर्ड वापस आ जाएगा। तो ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी धांसू कंटेंट के लिए। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।